बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन का नाम उन सितारों में शुमार है जिन्होंने बिना गॉडफादर के इस इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। कार्तिक की हर फिल्म का उनके फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। अब इस बीच कार्तिक आर्यन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि अभिनेता ने एक फिल्म के सीन के दौरान अपनी आवाज खो दी है। जी हाँ, कार्तिक आर्यन कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। चलिए बताते हैं आखिर क्या हुआ कार्तिक के साथ ऐसा जिसके कारण उनकी आवाज ही चली गई। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी कार्तिक आर्यन के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन पिछले कुछ समय से लाइमलाइट में बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि मशहूर डायरेक्टर करण जौहर ने फिल्म दोस्ताना 2 से उन्हें निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्हें एक और फिल्म से भी हाथ धोना पड़ा। इसके बावजूद भी इनके फैंस ने इनका साथ नहीं छोड़ा बल्कि इसका भरपूर साथ दिया। एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों अनीस बज्मी की कॉमेडी हॉरर फिल्म भूल भुलैया 2 को लेकर काफी चर्चा में है। लेकिन खबरों के मुताबिक कार्तिक आर्यन तब्बू के साथ जब फिल्म का क्लाइमेक्स सीन शूट कर रहे थे जहां उन्हें काफी चीखना और चिल्लाना था, वहीं सीन को परफेक्ट करने के चक्कर में कार्तिक रीटेक लिए जा रहे थे। लेकिन इस परफेक्शन के चलते कार्तिक आर्यन ने अचानक अपनी आवाज खो दी और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। अचानक से कार्तिक की आवाज चले जाने से शूटिंग सेट पर हर कोई हैरान और परेशान हो गया। इसके बाद तुरंत सेट पर मेडिकल टीम पहुंची और डॉक्टर ने कार्तिक का चेकअप किया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने की वजह से ऐसा हो गया है। कुछ ही देर में आराम करने के बाद सब ठीक हो जाएगा और उनकी आवाज वापस आ जाएगी। ये खबर मिलने के बाद फिल्म से जुड़े लोगों ने चैन की सांस ली। डायरेक्टर अनीस बाजमी भी इस अचानक हुए इंसिडेंट से झटका खा गए हैं। उनका कहना है कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं डायरेक्टर अनीस ने बताया कि कार्तिक इस सीन को काफी सीरियसली कर रहे थे जिसके कारण अंत में उनकी आवाज निकलने ही बंद हो गई। इसके साथ ही उन्होंने कार्तिक की तारीफ करते हुए कहा कि हम सभी इस सीन के लिए काफी एक्साइटेड थे क्योंकि सीन में तब्बू और कार्तिक आमने सामने थे। हर कोई पूरे जोश में था क्योंकि जोरदार ड्रामा चल रहा था। चीखने चिल्लाने की वजह से कार्तिक की आवाज चली गई थी लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। इसको कहते हैं डेडिकेशन। आपको याद दिला दे कि भूल भुलैया के पहले पार्ट में अक्षय कुमार, विद्या बालन और साइनी आहूजा लीड रोल में नजर आए थे जिसे दर्शकों द्वारा खूब प्यार दिया गया था। लेकिन इस बार आपको कार्तिक आर्यन, तब्बू, कियारा आडवाणी, राजपाल यादव, संजय मिश्रा लीड रोल में नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं फिल्म को देखने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी मसालेदार खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।